आज अपन ये वाली सीनरी बनाएंगे एज यूजल। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, ड्राइंग के लिए प्लेसमेंट करेंगे। ये हमारा हाफ से कम पार्ट में आ रहा है, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत हल्की सी ही ड्राइंग करना है इसमें, क्योंकि बाकी सब इफेक्ट जितने भी हैं वो कलर्स में लेकर आएंगे। ये जितने भी ट्री वगैरह हैं, सन है, ये सब हम बाद में बनाएंगे। बस इतनी ही ड्राइंग की जरूरत है, इसके बाद अपन कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम शीट में पानी लगाएंगे। जब हम पानी लगाते हैं और कलर उसमें टच करते हैं, तो वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। इस तरीके से हमने इसमें पानी लगाया। इसके बाद हम येलो कलर लेंगे। क्योंकि ये लाइट कलर है, इसलिए एकदम से क्लीन कोई भी चीज़ क्लीन लीजिए जिसमें कि आप कलर बना सकें। थोड़ा वाइट कलर और इसमें येलो मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम ये लेमन कलर बनाएंगे
और इसके बाद इसमें इस तरीके से इसको लगाते जाएंगे। जब आप ब्रश यूज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्रश को रब नहीं करना है शीट के ऊपर, इसके बाद अगर आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप ऑरेंज कलर ले लीजिए, अदरवाइज येलो में ही रेड मिक्स कर लीजिए तो आपका ऑरेंज कलर बन जाएगा। इस तरीके से ये बना। साथ में थोड़ा सा येलो कलर भी ले रहे हैं। व्हाइट और ब्लू मिला के हम स्काई ब्लू कलर बनाएंगे। जो हम ये हाउस है इसमें फिल कर रहे हैं।
इस तरह से हमारा ये फर्स्ट कोट कंप्लीट हो गया। ग्रीन कलर लेंगे, कोई भी ग्रीन कलर ले सकते हैं, और उसमें येलो मिक्स किया तो हमारा लाइट ग्रीन बन गया। पहले हम लाइट ग्रीन लगाएंगे, पानी की हेल्प से इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा डार्क ग्रीन लिया, इसी ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके इसको डार्क ग्रीन बनाएंगे।
तक हम ट्री के लिए भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ही ग्रीन कलर अपन को ट्री में लगेंगे। थोड़ा ड्राई होने का वेट करेंगे। इसी ग्रीन कलर में थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करेंगे, तो ये हमारा ब्राउन बन गया। तब तक ये जो ब्राउन है इसको अपन यहाँ फिल करते हैं। इसी में व्हाइट मिक्स किया थोड़ा। और इसको फिल कर दिया। इसी में ऑरेंज कलर मिक्स किया और ये हमारा हट के लिए हो गया। इतना बन गया था। इसके आगे की टचिंग हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने लाइट कलर से स्टार्ट किया था, इसको वैसे ही लाइट से डार्क की तरफ ही ले जाएंगे। सबसे पहले हम हमारा जो स्काई है उसका कलर में थोड़ी सी डार्कनेस और लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको डार्क करेंगे।
जहाँ जहाँ हम डार्क कलर कर रहे हैं वहाँ पर हम साथ में इसको मिक्स भी करना है। ब्रश को क्लीन करेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ भी हम एक सन भी बना देंगे। थोड़ा सा रेड कलर लेंगे और इसमें टच कर देंगे तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। ब्रश को फिर से क्लीन करिए। अब हम ग्रीन कलर लेते हैं, जो ग्रीन हमारा है उसको लेंगे। ये ग्रीन कलर ले लिया हमने। इसके बाद हम ग्रीन डार्क यूज करेंगे जब तक कि कोई भी पेंटिंग में डेप्थ नहीं आएगी, यानी कि डार्कनेस नहीं दिखेगी तब तक उसमें शेड्स नहीं दिखते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो शेड्स को दिखाने के लिए हमको डार्क का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम ऑरेंज और ग्रीन को मिलाएंगे तो भी हमारा ब्राउन कलर बन जाएगा। अभी ये जो बचा हुआ है
अभी ये ऑरेंज और ग्रीन को हमने मिक्स किया, तो ये देखिए ब्राउन कलर, ये देखिए ये ब्राउन कलर बन गया। इसमें मिक्स किया तो एक डार्क ग्रीन और बन गया, वो भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से लाइंस निकाल देंगे। इस तरीके से ये वाला जो शेड था वो कंप्लीट हुआ। ये बीच में थोड़ा सा डार्क फिल कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा ये वाला जो कलर बनाया हुआ था इसमें रेड में ब्लू एंड व्हाइट मिक्स करते हैं तो हमारा पर्पल कलर बन जाता है। व्हाइट ब्लू और रेड को मिक्स करके ये हमारा पर्पल कलर बना हुआ है। अब हम इसका टेस्ट देंगे। आप चाहें तो स्काई ब्लू कलर बना के उसके बाद उसमें रेड कलर को मिक्स कर देंगे तो भी आपका ये कलर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका शेड देंगे।
इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा ये जो कलर रखा हुआ था इसी में हमने ब्लैक कलर मिक्स किया और थोड़ा सा डार्क कलर बनाना है हमको। ये जो कलर है इसको मिक्स किया तो हमारा डार्क ब्राउन बन गया। अब यहाँ पर कुछ लाइंस शो करनी है हमको, जो हमारे सूखी हुई ग्रास होती है उसको रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से विंडो भी ले ली। और इस तरीके से हमने इसकी जो ग्रास है सूखी हुई वो शो की। अब हमारा थोड़ा सा शेड यहाँ देने के लिए बचता है। तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको आउटलाइन करनी है। हम चाहे तो ब्लैक मार्कर से, ब्लैक स्केच से भी आउटलाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा ब्लैक कलर होता है उससे भी आउटलाइन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको ड्राई होने की ज़रूरत है। तब तक हम जो हमारा बॉर्डर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बॉर्डर में हम इन्हीं में से कोई एक कलर ले सकते हैं। आप चाहें तो ब्लू ले सकते हैं,
डार्क पर्पल ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं कोई भी, बट ग्रीन हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ कि ब्राउन कलर ले लेते हैं। ये डार्क ब्राउन कलर बन गया है और हम इसको फिल करते हैं। इसको आप स्पंज की हेल्प से भी कर सकते हैं। लैंडस्केप बनाना है अपन को। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे।